Welcome to RKGIT e-learning channel. I am Prince Gupta, assistant professor in computer science department. Today we are going to discuss about the introduction to C programming. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने तीन पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा हिस्ट्री डिटेल करना चाहूँगा. सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 के अंदर. अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को डिटेल आउट करने के लिए, या फिर हम ये कहेंगे राइट करने के लिए. तो यहाँ पर हमने आज तीन पॉइंट्स डिस्कस की है. पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, दूसरा पॉइंट है सी कैरेक्टर सेट, और तीसरा पॉइंट है सी टोकन. ये तीनों के तीनों जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है सी लैंग्वेज का. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले टॉपिक की. पहला टॉपिक है हमारा फीचर ऑफ सी लैंग्वेज. यहां पर हमने तीन पॉइंट डिटेल करे हैं. पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कह रहा है हमें सी इज अ रोबस्ट लैंग्वेज. अगर रोबस्ट की बात करें तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग. C is a robust language whose rich set of built-in functions and operators can use to write complex program. कहने का मतलब क्या है कि एक C एक strong language है. हम कोई भी problem का solution regarding computer system इसके through हम लिख सकते हैं या detail out कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कोई भी algorithm, कोई भी program है उसका solution हम किसी algorithm में लिखा और उसको फिर frame कर रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग में. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या लिखी रखी हमने, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने रखी सी लैंग्वेज. तो सी एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जिसके ऑपरेटर्स के थ्रू आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिख सकते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि इन ऑर्डर दैट फॉलोज अ सेट ऑफ कमांड्स. तो सी क्या है, एक इन ऑर्डर जो फॉलो कर रही है सेट ऑफ कमांड्स को, वो लैंग्वेज है कि एक फ्रेमवर्क दिया गया है हमें उस फ्रेमवर्क में ही काम करना है. या हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली वी कैन से सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. अब केस सेंसिटिविटी क्या है, केस सेंसिटिविटी अगर हम जर्नलाइज्ड फॉर्म में देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमें कहीं कॉमा लगाना है तो वो कॉमा अगर हमने नहीं लगाया तो जो हमारा प्रोग्राम है वो कोई एरर शो करेगा, यानी कि आउटपुट स्क्रीन तक नहीं जाएगा. या थोड़ा सा और इसको फ्रेम करें तो हम ये कहते हैं कि सी क्या है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है. कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख लेते हो और जब उसको रन करा रहे हो तो रन किसके थ्रू हो रहा है, रन एक कंपाइलर के थ्रू हो रहा है. हम कई सारे कंपाइलर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सबसे पहला है जीसीसी कंपाइलर एक हम यूज करते हैं, टर्बो हम यूज करते हैं, और भी बहुत सारे कंपाइलर हम यूज कर सकते हैं. अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अभी हमने बताया कि वी आर हैविंग अ प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क को लेकर ही हम चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप वाइज मैनर में हम जो भी प्रोग्राम है या जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मेट करते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज जो कि हमें बता रहा है कि सी लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है और उसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन क्या बोल रहा है हमें. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो दोनों टॉपिक लिए हैं मैंने, ये दोनों टॉपिक मैंने इसलिए लिए हैं कि जिस फ्रेमवर्क की हमने बात की है वो फ्रेमवर्क इन दोनों पॉइंट्स को, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को लेता है. सबसे पहला क्या है, सी कैरेक्टर सेट. सी कैरेक्टर सेट क्या, अभी मैंने आपको बताया कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज है. अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है. हमारे पास तीन तरीके की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल, एक हाई लेवल और एक मिडल लेवल. अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, लेकिन फिर भी अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज मतलब जीरो और वन की फॉर्म में, जो मशीन रीडेबल होती है. ठीक, अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है. तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर है वो किस तरीके से काम करती है, या जो चीज हमें उसमें लिखनी है वो क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल है. अगर सबसे पहले सी कैरेक्टर सेट की हम बात करें तो यहां पर हमने तीन पॉइंट्स लिखे हैं. पहला लेटर्स, अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स क्या है कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड दैट कैन बी
इन अपर केस और आइदर इन लोअर केस, कोई भी हम लेटर उसके अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिजिट्स। डिजिट्स कैन बी फ्रॉम 0 to 9, कोई भी हम डिजिट्स ले सकते हैं, तो दैट कवर्स डिजिट्स। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है हमारा, स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में कई सारे हमारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल डॉलर साइन हमने लिया, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स हमने लिए, और भी बहुत तरीके जितने भी हमारे कीबोर्ड में कीज हैं उसके रेस्पेक्ट में जो भी इन दोनों के अलावा आते हैं वो एक तरीके से स्पेशल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। तो जो भी हम लिखेंगे प्रोग्राम वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, वो एक कॉम्बिनेशन होगा लेटर्स का, डिजिट्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का। उस अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस हम उनको यूज करते हैं। अपर केस में यूज करें लेटर्स, लोअर केस में यूज करें, 0 to 9 यूज करें, माइनस में करें, प्लस में करें, या हम डेसिमल फॉर्म में करें, तो जो भी है तो वो प्रोग्राम किसका कॉम्बिनेशन होगा, वो इनका होगा और स्पेशल कैरेक्टर्स का होगा। तो दीज आर द सम ऑफ द सी कैरेक्टर सेट जिसको लेके हम वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यानी कि सी का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, वो हम रखेंगे। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक भी क्या है, लास्ट टॉपिक हमें कुछ हिंट देता है। हिंट क्या दे रहा है, वो ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें किस तरीके से यूज करनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर 3 पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहले वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले वाला पॉइंट लिखा है कीवर्ड्स, या उससे पहले मैं टोकन्स के बारे में बात करूं जो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो अप कर रहा है। तो टोकन्स क्या है, टोकन है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यानी कि जो भी छोटी सी छोटी चीज हम यूज कर रहे हैं उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग उस प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क में हमें दिया हुआ है, वो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से प्रोग्राम को लिखना है। तो हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हम एक पार्टिकुलर वर्ड, मान लीजिए कोई भी वर्ड का कॉम्बिनेशन है, उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग तो नहीं है। अगर स्पेसिफिक मीनिंग है तो वो क्या काम करता है, ये सारी चीजें हमें उसके अंदर देखनी पड़ेंगी। तो टोकन क्या है, टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट है। अगर हम इन 3 पॉइंट्स की बात करें जो कि टोकन के अंदर कवर हो रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमने बताया था कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड बिल्कुल जनरलाइज्ड में अगर हम बात करें तो ये कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है सी के अंदर, कि उसको हम एज अ सिंपल स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि कीवर्ड मैंने लिखा int, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कोई इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है। यहां पर अभी हमने डिजिट्स के बारे में बात की है तो हमने बताया था 0 to 9 आपका पॉइंट्स में भी हो सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन, या पॉइंट्स में नहीं भी हो सकते हैं। अगर मैं इस इंटीजर की बात कर रहा हूं तो ये इंटीजर क्या कह रहा है, ये इंटीजर ये कह रहा है कि इसमें कोई भी पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 2, हम ले सकते हैं 3, हम ले सकते हैं 100 एंड सो ऑन। अगर हम मैं इसमें लिख दूं फ्लोट, तो फ्लोट में क्या आएगा, फ्लोट में सारी डेसिमल वैल्यूज ही कंटेन होगी। तो कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है उसको आप जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा इन सारे कीवर्ड्स का जो स्पेसिफिक मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोग्राम लिखना होगा। तो दैट आर कीवर्ड, या हम कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम काइंड ऑफ वेरिएबल्स, और वी कैन से अगर हम इसकी थोड़ा सा और डिटेल करें आइडेंटिफायर का, तो आइडेंटिफायर का हम ये कह सकते हैं इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर द लेटर ऑफ अपर केस और आइदर द लेटर ऑफ लोअर केस, और थोड़ा सा और इसको इनकलकेट करें तो मैं ये कहूंगा कि आइदर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स ऑल्सो। तो अगर मैं आइडेंटिफायर की बात कर रहा हूं तो आइडेंटिफायर सिंपल हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं, दैट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर, और मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। बट हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाए, जो भी वेरिएबल कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे उसमें पहला वाला जो होगा उस प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे कोई भी डिजिट नहीं होगी, पहले वाला अल्फाबेट होगा, और उसके बाद आप जो भी डिजिट रखना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो पहला वाला या तो A1 हो सकता है लेकिन 1A नहीं हो सकता, तो
पहली प्लेस पे क्या होगा, पहली प्लेस पे अल्फाबेट ही होगा, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो। दूसरी बात की, अब हमने बात किया था स्पेशल करेक्टर्स की, स्पेशल करेक्टर्स हम सिवाय अंडरस्कोर के और कोई स्पेशल करेक्टर्स आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम सिंपल और सिंपल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर्स आप आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज एक और है इसके अंदर कि हम कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, बट सम कंपाइलर रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट 32 प्लेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स, पहले 32 ही लेते हैं कुछ कंपाइलर्स, और कुछ की लिमिट है ही नहीं, आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर ले लीजिए, लेकिन बड़ा आइडेंटिफायर मीन्स यूजलेस थिंग, क्यों, क्योंकि हमें कोई भी वेरिएबल का नाम लेना तो कोई स्पेसिफिक लेना होगा, ऐसा नहीं है कि हम 26 करेक्टर हैं ए से लेकर जेड तक उसका पूरा का पूरा नाम लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता, तो दैट मस्ट कंटेन सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक मीनिंग। तो हम अंडरस्कोर ले सकते हैं, हम लोअर केस अपर केस ले सकते हैं, और हम डिजिट्स पहले प्लेस पे नहीं लेंगे दैट आर आइडेंटिफायर्स, यानी कि वेरिएबल का कोई भी हम नाम यूज कर रहे हैं। लास्ट है हमारा कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स कैन बी न्यूमेरिक, कॉन्स्टेंट्स कैन बी रियल, कॉन्स्टेंट्स कैन बी स्ट्रिंग, और कॉन्स्टेंट कैन बी अ सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट। अब ये जो चारों चीज मैंने बताई ये है क्या, अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अभी हमने यहाँ पे डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बताया था, जो इंटीजर का हमने बताया था, अगर मैं कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स कैन बी, जैसे अब यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2310 2300, यहां पर मैंने इंटीजर बताया था वो था कीवर्ड, 2310 2300 इज नॉट अ कीवर्ड, इंटीजर इज अ कीवर्ड, अ फ्लोट इज अ कीवर्ड। यहां पे हम कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट क्या है, या तो 2 है 3 है 100 है, यानी कि कोई भी डेसिमल वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा है। दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है, जो कि डेसिमल वैल्यू कंटेन कर रहा है, जो कि मैंने बताया था फ्लोट कीवर्ड में, तो 2.1 या 4.6 या कोई भी डेसिमल काइंड ऑफ डिजिट। तो पहला कॉन्स्टेंट न्यूमेरिक हो गया, दूसरा हमारा रियल कॉन्स्टेंट हो गया। अब तीसरा जो हमने बताया था वो बताया था हमने स्ट्रिंग या सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कंटेन ओनली वन कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया ए या कैपिटल ए या बी, इट मे कंटेन ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, यानी कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, फर्स्ट प्लेस के अलावा कोई प्लेस नहीं है, ए बी या कोई भी और अल्फाबेट हम ले सकते हैं, तो दैट इज अ सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, वो भी हमारा कॉन्स्टेंट के अंदर ही आता है। और अगर हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की बात करें तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया गुड, तो ये गुड क्या है, दैट इज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, तो ये नंबर है, ये रियल है, ये सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है, और ये एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है जो कि हमारा सी टोकन का ही पार्ट होता है, यानी कि हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं चार पार्ट्स में। तो ये था हमारा सी टोकन्स, जिसको तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।